यही है पूरा मेला जाए। देखो ऊपर में बहुत बड़ा सा भी एक इलेक्ट्रिक जो ये मेरी को राउंड है वो भी बैठा है और बेबी यहाँ पे खेल रहा है मस्त। उधर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। बॉस व्हाट्सअप, कैसे हो सब? प्रत्येक अभी वेदर देखो आज कितना बढ़िया है। टाइम वैसे हो रहा है अभी 11:30, थोड़ा सा जल्दी मैं उठाऊँ, धीरे धीरे चेंज होगा। कैफे में अभी कोई नहीं है लेकिन कुछ तो देख सकते हैं ना। ये जो हमारा गेट है सामने, मतलब हमारा नहीं है, ये मेले के लिए बैठा है, तो इसमें अभी लाइट नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है ना। और गार्डन का हालत थोड़ा चल के देख ही लेते हैं यार, हल्का सा गंदा होगा, दिक्कत नहीं है। मिट्टी में बना हुआ इंसान है, मिट्टी में ही मिलना है तो दिक्कत नहीं है। ये देखो पेड़ पौधे कितना मस्त लग रहा है। उधर काम भी चल रहा है शायद, हाँ धुआं उड़ रहा है, उसका मतलब कि उधर चावल बन रहा है ना। ये गद्दा जो ऊपर छत में था इसका हालत ख़राब हो गया, इसको नीचे गिरा के रखा है, यहाँ पे धीरे धीरे ख़राब हो रहा है हालत इसका, रहने देते हैं। मैं चलता हूँ अंदर, अंदर चल के थोड़ा बहुत काम अगर मिलता है कैफे में तो वो भी करेंगे, नहीं तो बैठ के बस टाइम पास कर। बंद हो चुका है और दरवाज़ा भी बंद करना है क्योंकि अभी हम लोग को निकलना है, थोड़ा सा दरवाज़ा एक हाथ से बंद नहीं हुआ, हम लोग को निकलना है थोड़ा सा घूम के आना। काम में से कुछ है नहीं लेकिन थोड़ा सा घूमेंगे, उसके साथ सब कुछ काम याद आ जाए तो वो भी करके आएंगे। चलो ये कैफे बंद, हम लोग भी निकलते हैं। बिल्लू एक साथ सो रहे हैं, बिल्लू जी और छोटा बिल्लू। टाइम हो रहा है 12:15, आज थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी निकलेंगे। सुपुदा उधर बाइक निकल रहा है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, है ना। सुपुदा ये देखो आधा निकला है आधा नहीं निकला है। वो इधर थोड़ा बहुत सही है, बीच बीच में धूप उठ रहा है तो वो थोड़ा मैनेज करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखो पानी होने के कारण कितना ज़्यादा यहाँ पे पौधा बन चुका है। छावा तो है, छावा दिया है अभी, लेकिन थोड़ी देर में फिर से धूप उठ सकता है तो उसके लिए रेडी होकर जाना पड़ेगा। कभी भी धूप आ सकता है कभी भी छाव, तो सुपुदा निकल चुका है, निकलते हैं हम लोग थोड़ा सा घूम के। धूप बहुत तेज़ उड़ गया, हम लोग तो वापस देने आए थे सामान, अभी फिर से चलेंगे यहाँ से। सुपुदा भी सामने है, बाइक स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा घूम के आते हैं। अभी हवा भी दे रहा है हल्का हल्का लेकिन धूप बहुत तेज़ हो चुका है। खैर थोड़ा सा धूप सह लेंगे लेकिन घूमना ज़रूरी है। तो बहुत हुआ लेकिन जल्दी आना भी पड़ा क्योंकि बाहर देख सकते हो धूप बहुत तेज़ हो चुका है। जितने देर तक घूम रहे थे बहुत तेज़ था, अभी भी तेज़ है, ऐसा की हालत है। ऊपर छत में एक बार चलते हैं, चल टाइम हो रहा है 2:00 के आसपास। ऐसा नहीं है कि हर दिन जैसा होता है कि बाहर जब रहते हैं तब धूप बहुत तेज़ हो जाता है और घर में अंदर आते ही धूप बहुत कम हो जाता है, ऐसा आज नहीं हुआ है। आज भेदभाव बिल्कुल नहीं किया है सूरज देवता ने हमारे साथ, लेकिन अब धूप बहुत ज़्यादा है, खुद मानना पड़ेगा, वो मानना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। देखो देख सकते हो कितना तेज़ धूप है, बहुत ही तेज़ धूप है, आसमान भी काफ़ी सही है, लेकिन एक बात वो भी है कि हवा मस्त चल रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये दरवाज़ा कभी भी बहुत साउंड करके इधर जाके लग सकता है, धप करके, साउंड धप करके नहीं आएगा, साउंड कुछ अलग तरीके का आएगा। खैर कोई बात नहीं, बाहर से इतना तेज़ धूप खा के आया हूँ जैसे कि लग रहा है कि मैं जादू हूँ, जैसे जादू को सिर्फ धूप से मज़ा आता है, ऐसे मुझे भी मज़ा आ रहा था, अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, नहाने चलेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन इतना मज़ेदार हवा चल रहा है तो क्या कर, एक तरफ धूप है जो कि उतना भी अच्छा नहीं लगता, एक तरफ इतना बढ़िया हवा जिसमें बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो मैं क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं। खैर अभी यहीं पे रखते हैं थोड़ी देर, जब तक हवा चल रहा है, हवा बंद हो जाएगा मैं भाग के अंदर चला जाऊँगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दो ये हल किसे, हल क्या इसका भाई, ऐसा कुछ गाना था। हम तो ऐसे झूमने लगे, वो सही है। देखो इनको देखो पंछियों, एक पावरफुल तार में, नॉर्मल नीचे वाला जो तार है वो 440 का है उसमें नहीं, ऊपर वाले में बैठे हुए हैं जो कि 11,000 वोल्ट, सही है, इनका भी सही है। जब तक आर्थिंग ना मिले तब तक बढ़िया है, आर्थिंग मिलेगा भी नहीं, शॉर्ट सर्किट उसमें होगा भी नहीं क्योंकि उसको अभी अलग कर दिया गया, पहले क्या था 440 11,000 एक साल में था, अभी देखो पोल अलग से करके ऊपर वाले में 11,000 अलग कर दिया गया है पूरा, तो दिक्कत नहीं है उतना। लेकिन वो लोग बैठे हुए हैं मस्त, मैं तो नहीं बैठ पाऊँगा क्योंकि मैं उड़ना नहीं जानता है ना, और मैं चढ़ता तो थोड़ा ज़्यादा वेट हो जाता तो वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन उन लोगों का दिक्कत नहीं। मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, दिमाग कहाँ दाग जा रहा है मेरा, है ना। चलो नीचे चलते, धूप बहुत तेज़ लग रहा है इस टाइम पे, हवा भी चल रहा है लेकिन धूप तेज़ लग रहा है। फिर भी क्या माहौल हो रखा है, देखो गाइस 2-4 सेकंड के लिए बारिश हुआ बस, और बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हुआ था, मैं थोड़ी देर पहले ऊपर आया था, बारिश इतना तेज़ स्टार्ट हुआ मैं कपड़े वपड़े लेके सीधा नीचे चला गया, और बारिश थोड़ा बहुत हुआ है और बहुत काफ़ी बारीकी से हुआ है क्योंकि देखो छत पूरा भीगा हुआ है, उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन जितना टाइम तक हुआ उतना टाइम बहुत तेज़ हुआ, 10-15 सेकंड ही हुआ होगा लेकिन तेज़ हुआ काफ़ी, मज़ा आ गया,
वेदर भी काफ़ी सही हुई जगह है। ऊपर बादल है वैसे, बारिश कब होगा कब नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन उस साइड वाला एरिया देखो काफ़ी मज़ेदार देखने को लग रहा है। इधर में भी, इधर भी उस साइड वाला एरिया काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने को, एकदम सही है, व्यू काफ़ी मज़ेदार आ रहा है। और गर्मी भी सुबह के टाइम पे जितना था वो बहुत कम हो गया, हालांकि अभी हवा नहीं चल रहा सुबह की तरह, लेकिन वेदर में सुधार बहुत ज़्यादा है, मज़ा आ रहा है। हल्का और ज़्यादा बारिश हो जाता ना तो मज़ा आ जाता, एकदम बिल्कुल मज़ा आ जाता। लेकिन खैर बाद में अगर होगा तो मज़ा आएगा, नहीं होगा फिर भी चलेगा, दिक्कत ना है नहीं, क्योंकि वेदर फिर भी सही हो चुका है। थोड़े से बारिश के बाद ही बहुत ज़्यादा सही हो गया पहले से। जब ही उठा है मतलब जाने के टाइम, और बहुत ही ज़्यादा थक गया मैं। तौबा तौबा वाला स्टेप जो है मेन, जो कि अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है विकी कौशल सर का, तो वो वाला मैं हुक स्टेप बना रहा था, उसमें हालत ख़राब हो गया बना रहा था। मतलब हुक स्टेप ट्यूटोरियल में बना रहा था, हुक स्टेप तो मुझे आता है, ट्यूटोरियल में बना रहा था। जैसे कि कैमरे से दिखेगा, देखते कोशिश करते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, कैसे दिखाऊँ अभी मैं इसको, पहले सेट कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और कोई बात नहीं है, और बेहतर तरीके से हो सकता था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ मैं ट्यूटोरियल बनाने में। चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है ऊपर ये सूरज आ जाने के बाद से, चलता हूँ नीचे कैफे में, टाइम भी 5:30 हो रहा है। मेला चल रहा है गाइस, और शायद कल आखिरी दिन है, अभी भी साउंड आ रहा है, माइकिंग हो रहा है, तो आज शायद ऑर्केस्ट्रा या फिर कुछ है, क्योंकि बोल तो वही रहे जितना मुझे सुनाई दिया, ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से, लेकिन शायद आज मेरे ख्याल से ऑर्केस्ट्रा है, आज भी और कल भी शायद है, तो रात के टाइम पे देखेंगे। अभी फिलहाल टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, देखते हुए टाइम 7:30 से होगा, लेकिन घर में देखने के लिए थोड़ा ये चलाना पड़ेगा लाइट, ये हो रहा है 1:25 टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है ना, तो चलते नीचे कैमरे में बैठते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। बाहर बारिश तो हुआ नहीं उसके बाद से, वो तभी शाम के टाइम पे एक बार हुआ था 5-10-15 सेकंड के लिए, उसके बाद से हुआ ही नहीं। वही बेबी आ चुका है, नाम नीचे अकेले अकेले चढ़ सकता है, अरे बच्चे बताओ खुद ही चढ़ सकता है, इतना बड़ा हो गया है। देखो यहाँ पे जगह है ना, ये टाइल्स लगा हुआ है, यहाँ पे जगह है, इस पे पैर देखे वो चढ़ जा रहा है ऊपर। तो बेबी आया है घूमने के लिए, वो भी मेला जो बैठा है हमारा वो देखने के लिए, तो बेबी को लेके चलेंगे। पहले उसको कुछ पहना देते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा पैंट, ये एकदम छोटा हो गया ना, पहना देते हैं, उसके बाद चलते हैं। सुगुदा भी नीचे रेडी हो रहा है, सब निकल दे, बी और नीम तो पहले ही चले गए। बोल भाई झापस ना पोड़े यारी एमनी नाम, हाँ चलो चलो रेडी होनी, चलो हमने जाबो। यही है पूरा मेला जाए, देखो ऊपर में बहुत बड़ा सा भी एक इलेक्ट्रिक जो ये मेरी गोडाउंड है वो भी बैठा है, और बेबी यहाँ पे खेल रहा है, मतलब उधर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, सुनाई तो कुछ भी नहीं देगा घंटा, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं यहाँ पे सारे, इधर इस टाइम पे इधर पे सारे नागर दोला है, उधर आगे सारे दुकान बैठे हुए हैं, दी और मेम उधर है, हम लोग यहाँ पे हैं, को देख रहे हैं, मस्त चढ़ रहा है ऊपर, साथ ही साथ गाना भी सुनाई दे रहा है, मज़ेदार। के सारे वापस आ गए, वो सब घर चले गए, और मैं अभी यहाँ पे नीचे खड़ा हूँ, और बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब तेज़ नहीं हल्का हल्का सा ही, लेकिन बारिश हो रहा है, तो हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे, मैं और सुबुदा, चलो। और क्या, मेला हो गया आज शायद कल लास्ट दिन है, तो कल भी देखेंगे अगर मौका मिले तो चलेंगे, नहीं तो बाद में देखेंगे, अभी तो बारिश हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बारिश होते हो तो बहुत ज़्यादा तेज़ चालू हो गए। चलो फिलहाल आई एम साइनिंग ऑफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।